कल नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना। आपको बता दें, अभी भी कई लोग हैं जो कि समाज सेवा का काम कर रहे हैं और तमाम लोगों को जो छठ व्रत करते हैं उन्हें आर्थिक तंगी जो जिनको है और उस वजह से वो तमाम चीजें नहीं खरीद सकते, उनके बीच छठ को लेकर उनकी जो सामग्री होती है उनका वितरण कर रहे हैं। इसमें आपको बता दें कि जाप राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने छठ के अवसर पर आज 8 कॉलेज गेट पर छठ पूजन सामग्री का वितरण किया है। इस दौरान क्षेत्र के से जुटे छठ व्रतियों के बीच 2000 से अधिक नारियल, गेहूं, नींबू, हल्दी एवं गन्ना का वितरण किया गया। इसके साथ ही आपको बताया, जहां एक तरफ पप्पू यादव ने वितरण किया तो वहीं दूसरी तरफ ब्रांड एसोसिएशन के माध्यम से पटना नगर निगम के पूर्व महापौर श्री कृष्ण मुरारी यादव जी के बड़े पुत्र प्रगति यादव जी और फ्रेंडशिप क्लब की ओर से एवं यंदू नेत्री सुशील कुमार गोस्वामी और पप्पू राय जी ने छठ व्रतियों को सूप और नारियल साड़ी का वितरण किया। इसके साथ ही उनके लिए कामना भी की। वहीं आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ एकता क्लब मोहनी के सौजन्य से हजारों महिला छठ व्रतियों को सूप, नारियल साड़ी, माचिस, अगरबत्ती लोगों के बीच में वितरण किया। अध्यक्ष धीरज कुमार कटोरी, उपाध्यक्ष गोलू जी कोसा, अध्यक्ष शेखर, सदस्य टिंकू धर्मेंद्र, एकता क्लब पीर मोहनी इन पटना, ये सभी वहां मौजूद थे। इन लोगों ने छठ पर्वतियों के बीच में सामग्रियों का वितरण किया। इन सभी ने मिलकर पर्वतियों के बीच में छठ सामग्री का वितरण किया। वहीं आपको बता दें कि माननीय मधुरेश चौधरी प्रदेश महामंत्री भाजपा के द्वारा छठ व्रतियों के बीच 500 सूप, नारियल साड़ी एवं धूप वितरण किया गया। मधुरेश चौधरी उर्फ अन्नू जी प्रदेश महामंत्री बिहार प्रदेश भाजपा वेबसाइट प्रकोष्ठ मौजूद रहे, जिन्होंने वितरण का काम किया। वहीं एक तरफ और विनय कुमार पप्पू के सौजन्य से हजारों महिलाओं को सूट, साड़ी, नारियल वितरण किया गया। बीजेपी के पूर्व मंत्री पूर्व एग्जीबिशन रोड चौराहा पर नितिन नवीन ने मिलकर हर जाति के लोगों को छठ व्रत की सामग्रियों को बांटा, वहां पर वितरण किया।